हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे आज मेरी सुबह की मॉर्निंग किचन से ही स्टार्ट हो गई है। और किचन में आज हमारे यहाँ है, डेट है 26, और पंडित जी को है भोजन करना। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, कोहड़े की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं कोहड़े की छौकार लगा रही हूँ। गोभी बना चुकी, तो मुझे कुछ रेसिपी इस तरीके से नहीं शेयर करना था, क्योंकि नॉर्मली सब लोग जानता है आलू गोभी सब्ज़ी कैसे बनती है। कोहड़े की कभी कभी कुछ खास बनाती हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ऐसे नहीं करती। तो मैं बाबू से बात भी कर रही हूँ। यहाँ देखिए, मैं पंचफोरन में पहले डाल दी, कोहड़ा छौकार लगाना था। अब मैं लहसुन मिर्ची का छौकार डाल दी, क्योंकि जब कोहड़े की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें पंचफोरन ज़रूरी होता है, लहसुन मिर्ची के अदरक। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं खिलाया जाता, लेकिन रात ख़त्म हो गया था तो लहसुन खा सकते थे। थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची का छौकार डाल ही दी। प्याज नहीं यूज की हूँ, क्योंकि वही लोग कहते हैं कभी कभी कुछ खाओ कुछ का परहेज करो, तो ऐसी बात हो जा रही है। तो यहाँ पे लहसुन ऐड कर दी थी। अब मैं यहाँ पे चल रही हूँ, थोड़ा सा लौंग और इलायची उसमें था बचा हुआ, तो वही मैं इस डिब्बे में अपने डाल दी हूँ। सारी चीज़ें जैसे होती है, थोड़े थोड़े मैं किचन से हटा करना चाहती हूँ। यहाँ छौकार जल गया और मैं यहाँ पे कोहड़े को डाल रही हूँ। कोहड़े की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनेगी। तो जिस तरीके से बनेगी, पूरा रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगा। आप लोग को इस तरीके से देखने में या पूछने में आप लोग को इंटरेस्ट रहेगा तो आप लोग जरूर पूछेगा, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर जितना भी है, मैं कोहड़े को अब छौकार लगा दी हूँ। अभी इसे मैं थोड़ा सा ढक दूँगी, फिर इसमें मैं बाद में थोड़ा सा नमक को ऐड करूँगी, क्योंकि नमक डालने से ना हमारे सब्ज़ी बहुत जल्दी गलते हैं और बहुत जल्दी हो भी जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और मेरी सबसे गंदी आदत जो आप लोग को मैं बताती हूँ कि मेरा क्या है, कि मैं किचन में जब खाने बनाती हूँ मैं उसे बार बार सूंघती रहती, स्मेल लेती रहती हूँ, अच्छा है कि नहीं। ये देखिए, नमक मैं इसमें डाल दी हूँ और नमक को ऐड कर दी हूँ। नमक ऐड करने के बाद अब ये मेरे कोहड़े की सब्ज़ी बहुत जल्दी, एक तरफ मेरा खीर पक रहा है तो इधर साइड में खीर भी हो रहा है, तो आप लोग इन्जॉय करते रहिए। अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद, एक तरफ कोहड़ा एक तरफ खीर। अब यहाँ मुझे बाबू को दूध देना, बज रहा है 9:15। तो बाबू सुबह जब उठता है, मैंने बाबू मेरा बेटा जब उठता है, वो सुबह ऐसे बिस्किट चाय कर लेता है, फिर कुछ देर बाद जब 9:30-10 बजता है तब जाके उसे दूध चाहता है। वो ब्रश करने बाद बोलता है मम्मा 10 मिनट बाद दूध। तो मैं भी वैसी सब बच होता है, उठते ही मन नहीं करता है सारा चीज पीने खाने का, तो यही चीज रीजन है। तो यहाँ मैं चीनी डाल के दूध मिला के उसे दे रही हूँ। और ये देखिए, वो परेशान कर रहा, नहीं मम्मा भी मन नहीं करा। लेकिन वो ये पैकेट जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं इसे बता रही हूँ, मुझे और सबको मुझे लगता है करीब करीब ये फोड़ने में बहुत अच्छा लगता है, जब पटपट करता है। और बाबू से मैं लेके ये फोड़ रही थी तो मैं सोची दिखा दी, बच्चों की हरकत की तरह मेरी भी हरकत आ गई है, तो आप लोग के साथ शेयर तो करना ही बनता है। तो चलिए अभी दिखाते हैं बाबू मेरे साथ क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से स्टाइल मार के फोटो ले रहा है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए आलू गोभी की सब्जी हो चुकी है, और अब मैं चल रही हूँ इधर कोहड़े की छौकार लगाने। ये देखिए कद्दू, इधर तेल, इधर खीर, खीर भी मैं चला के दिखा देती हूँ, पक रहे हैं। भी चले जाते हैं किचन के काम करने। तो ये देखिए, मेरे कोहड़े की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई और काफ़ी टेस्टी बनी हुई है। इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ, खीर भी मैं दिख रहा, खीर भी हो गया है, पूरी थाली दिखा दे रही है। ये देखिए कोहड़ा सब्जी पूरी खीर, ये बेटी खाने जा रही है तो वो थाली दिखा दी। अब मैं तैयार होकर मार्केट के निकल रहे थे, देखिए होठ पे कुछ काला सा लगा था तो मम्मी बोलने लगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से, और मैं और मम्मी ऑटो में बैठ चुकी हूँ, चल रही हूँ निकलने मार्केटिंग। क्या लेती हूँ क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा,
अभी फिलहाल चलिए मार्केट में चलते हैं। ये देखिए आ चुकी हूँ मैं दुकान में। यहाँ काफ़ी इस तरीके से भीड़ लगी हुई है, मैं गेट पे घुसते ही मुझे लगा, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग क्लिप ले ली कि दिखा दूँ। इस तरीके से यहाँ पे कुछ साड़ियाँ, कपड़े, जो ज़रूरी कुछ था खास, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ इसमें शेयर नहीं कर सकती कपड़े के बारे में, क्योंकि कुछ कपड़े अपने लिए मुझे लेने, कुछ कहीं और कर लिए, इस तरीके से था। तो मैं यहाँ पे उस तरीके का कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि इसके लिए आप लोग सॉरी इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मैं बैठ के दुकान पे ही देखती रह रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोग के साथ क्लिप भी शेयर कर दी कि आप लोग भी मार्केटिंग में देख लीजिए, पता नहीं चला है कोरोना वायरस है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह से ही ब्लॉग सुबह स्टार्ट हो गया था, थोड़ा थोड़ा कुछ क्लिप था, पूरा नहीं था, जो आप लोग के साथ पूरा मैं नहीं शेयर की थी, क्योंकि उस समय टाइम नहीं था और मेरे पास एकदम टाइम नहीं था, क्योंकि आज मुझे कहीं निकलना भी था, कुछ काम था बहुत ज़रूरी था जो करना था, तो मैं आप लोग के साथ पूरी बातें नहीं की और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। पर इस समय रात के बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, हमें लग रहा है 9:15 अभी। जस्ट मैं पापा को इनको खाना वाना दे के अभी आ ही रही हूँ, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा वीडियो आप लोग के साथ कुछ बातें करूँ। कुछ क्लिप है जो मेरा आज कहाँ मैं गई थी, कैसे गई थी, वो तो आप लोग के साथ व्यस्त बीता है। आज एकदम टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोग का कुछ भी कमेंट रिप्लाई जो भी है कुछ करूँ या किसी का वीडियो देखूँ, पूरा टाइम नहीं मिला। पूरा दिन मुझे व्यस्त। तो अभी इस तरीके से मैं हूँ और बस कुछ मेकअप शेकअप नहीं है, आप नॉर्मल देख सकते हैं, चेहरा शाइनिंग मांग रहा है, कुछ लगा नहीं है क्योंकि रात को तो कोई चीज़ ऐसा लगाने के है नहीं कि मेकअप करके कोई शोएगा, तो मैं अभी रात के 9 बजे है बस, जो दोपहर का मैं गई थी लिपस्टिक लगा था तो वो हल्का हल्का लगा हुआ है, बस मैं पानी से मुँह धुल ली हूँ नहीं तो आप लोग सोचेंगे रात को भी मेकअप के साथ आते हैं, मेकअप वीडियो बनाना होता तो मैं आती, ऐसी नहीं आती। तो आज फाइनल पंडित जी का खाना वगैरह जो था वो हुआ है, और मैं क्या क्या बनाई थी आप लोग के साथ थाली भी थोड़ा सा शेयर कर दी। कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि पंडित जी को खाना नहीं था, कई जगह उनको जिससे होते ना कि बहुत लोग के यहाँ जाना होना होता है, तो बोले नहीं भाभी बस थोड़ा सा भाभी, अब आप लोग को ऐसा रीजन भी पता चल जाए वो हमारे रिलेशन से ही हैं, लेकिन ब्राह्मण हैं हमारे, इसलिए हम लोग पंडित जी बोलते हैं, कपड़े दिख रहे हैं ना तो यही सब था रीजन। खांसी आ रही है, ठंडक बढ़ रही है, अब इस बार मुझे लगता है ठंडक तो हिला देगी सबको। तो वॉइस मुझे लग रहा बहुत धीमा हो रहा है, क्योंकि मैं ये साड़ी में पहनी हूँ तो वीडियो मैं बना रही हूँ इस समय। ये साड़ी कैसी लग रही है मेरी? अच्छी लग रही है, और फोटो थोड़ा खींचूँ नहीं बाद में, क्योंकि ये साड़ी तो निकल ही जाएगी तो आप लोग के साथ शेयर नहीं होगा, इसलिए मैं सोची यहाँ टॉवल टंगा हुआ है तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे पहनी थी। और मैं थोड़ा सा जो मैं और मम्मी जब निकली तो ऑटो को रिजर्व करके गई थी, क्योंकि किसी और को उसमें ऐड नहीं कर सकती थी, ऑटो से जाना था। तो मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र सारा करके आज हम लोग ऑटो से गए थे। ऑटो से जाने के मतलब क्या है कि ऑटो में ही हमें लोग को बैठा के, भैया रिजर्व ले चलो बट हमें लोग को ले चलो तो रिजर्व करके गए थे, बस समझिए यही था। क्योंकि मेन सबसे बड़ा कारण होता है ना, आदमी लोग के साथ कोई चीज़ मार्केटिंग नहीं हो पाती है सबसे बड़ी पॉइंट ये, क्योंकि वो लोग एक दुकान से दो दुकान जाते हैं, फिर बोलते हैं छोड़ो यार तुम लोग को समझ में नहीं आता, जो लेना हो लो, हटो यहाँ से, रहने दो। तो हम औरतें की आदत है, चार दुकान जाएंगे, चार दुकान समझेंगे, चार दुकान खोजेंगे और अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करती जाऊँगी, बट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक दिया करिए। आप लोग के लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छा, एक वीडियो बनाने का मन करता है, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बहुत अंदर से हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है तो बात को समझा करिए तो चलिए मेरे चेहरे शाइनिंग करें ना,
समझ में आ रहा? ऐसा चेहरे पर कुछ नहीं लगा मुझे। सबसे बड़ी बात है कि मैं कोई भी क्रीम पाउडर ये सब ज़्यादा यूज नहीं करना चाहती हूँ, नॉर्मल चीज़ें आप लोग के साथ रहता। हाँ, अजय वीडियो बनाती हूँ मैं, या टेलकम पाउडर होता है या फेस पाउडर है, बस यही यूज करती हूँ। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ मैंने मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तब मैं हाँ आप लोग को दिखाने के लिए क्या क्या मेकअप करने में हम यूज कर सकते हैं ये चीज़ मैं दिखाती हूँ आप लोग को। बट मैं डेली यूज नहीं करती क्योंकि डेली क्रीम पाउडर ये सब ज़्यादा यूज करने से होता है क्या, हमारे चेहरे बेकार हो जाते हैं, सब अजीब से हो जाते हैं, इसीलिए मैं नहीं यूज करती। क्योंकि ऐसे शाइनिंग अच्छे लगते हैं। रियल जो ग्लो होता है वो अलग होता है और जो बनावटी होता है वो अलग होता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे और तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ, तो आप लोग भी मिलिएगा। तो प्लीज़ चलते हैं, बाय बाय गाइस।